हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप घर पे तो बना के खा ही सकते हैं, कहीं आप लंबी सफर पे जा रहे हैं तो इसे बना के रख लीजिए। 4 से 5 दिन तक ये अचार बिना फ्रिज का खराब होने वाला नहीं है और स्वाद तो बेहतरीन होता ही है इसका। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार बनाएंगे। ये बनाना बहुत आसान है और खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है। तो सबसे पहले हम आपको मिर्च काटना बता रहे हैं। हम एक प्लेट लेंगे और एक मिर्च लेंगे। तो मिर्च आप तो आप चाकू से काटिए या कैंची से काटिए, पर कैंची से सेब थोड़ा सा खराब हो जाता है तो मैं यहाँ नाइफ से काट रही हूँ। मिर्च को हमें एक एक इंच के टुकड़े काटने हैं। तो ऐसे हम मिर्च को काट लेंगे। मिर्च काटने से पहले हम इसे धो के कपड़े से पोंछ लिए हैं, फिर हम मिर्च काट रहे हैं। तो ऐसे ही आप मिर्च को काटिए, एक एक इंच का टुकड़ा काट लीजिए। थोड़ा बड़ा छोटा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आप चाहें तो बीज के साथ अचार बनाएं। अगर बीज नहीं चाहिए तो हल्का सा इसे ऐसे टाइप करेंगे तो एक्स्ट्रा बीज जो है वो प्लेट में निकल जाता है, तो फिर आप इसका अचार बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम सभी मिर्च काट लेंगे। सभी मिर्च को हमने काट लिया है, तो चलिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक कढ़ाही ले लिया है, कढ़ाही को हमने गरम कर लिया है। तो हमें कढ़ाही ज़्यादा गरम नहीं करना है, एकदम थोड़ा सा गरम करके और उसमें हम सबसे पहले बेसन भूनेंगे। तो यहाँ पे हम 3/4 कप बेसन लिए हैं। बेसन में हमें कोई तेल घी नहीं डालनी है, एकदम ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इसका कच्चापन ना चला जाए। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक मध्यम आंच पे रोस्ट करेंगे। बेसन को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, बेसन की कच्चापन दूर हो गई है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। हम गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए और चलाते रहेंगे जिससे बेसन जलने ना पाए। अब हम बेसन को एक प्याले में निकाल लेंगे। तो ऐसे हम इसी प्याले में भुना हुआ बेसन निकाल लेंगे। बेसन को हमने एक बाउल में खाली कर लिया है, इसी कढ़ाही को हम साफ कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच सरसों का तेल। तो हम 4 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे क्योंकि तेल के बिना अचार तो बढ़िया होता नहीं है। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे, यानी कि इसमें से धुआं निकलने लगना चाहिए, तब तक हमें गर्म करना है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे, नहीं तो अपनी फोरन जो हम डालेंगे तो जलने लगेगी। तो फोरन में हमने यहाँ पे मेथी, कलौंजी, मस्टर्ड यानी कि राई, अजवाइन, सौंफ लिया है। तो हम एक एक करके इसमें तेल में फोरन डालेंगे। तो सबसे पहले हम मेथी दाना डाल दिए। कलौंजी, राई यानी कि ये सौंफ, जीरा हम सब साथ में डाल देंगे। आप देख सकते हैं फोरन अपना चटकने लगा है, तो हमें ज्यादा नहीं जलाना है, जस्ट इसकी कच्चापन दूर करनी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग। फोरन अपना चटक चुका है, हमें इससे ज्यादा नहीं उसे जलने देना है। तो अब हम डालेंगे इसमें कटी हुई मिर्च जिसे हमने धो के सुखा के काट लिया था, आपको दिखा ही दिया है। अब इस मिर्च को हम तेल में छोड़ देंगे।
अब हम इसे हल्के हाथों 1 से 2 मिनट तक तेल में भूनेंगे। अब हम फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मिर्च को अच्छे से भूनेंगे। मिर्च को हमने तेल में 1 मिनट तक भूना है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने से मिर्च जो है अपनी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि हमें मिर्च में बेसन भी ऐड करना है, तो हम चम्मच से डालेंगे। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, यानी कि 1/4 चम्मच। हल्दी से अचार का कलर बढ़िया आता है। और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने तीखा के अनुसार डालिए, क्योंकि ये मिर्च जो होती है वो तीखी नहीं होती है, बस इसका फ्लेवर खाने में आता है, इतना ही ये तीखा होता है। मिर्च डालने से अपने अचार का कलर भी चेंज हो गया, देखने में भी सुंदर लगने लगा है। अब हमने नमक हल्दी मिर्च डाल भी दिया है, तो इसे कवर करके हम 1 मिनट तक पका लेंगे। इससे मिर्च जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। 1 मिनट हो चुका है। चलिए हम कवर हटा के एक बार अपनी मिर्च की अचार चला लेते हैं। तो मिर्च को हमें ज्यादा गलने भी नहीं देना है, क्योंकि खाने में मजा तभी आता है जब मिर्च खड़ी खड़ी हो। अच्छे से भून जाना चाहिए। मिर्च हमें भुना हुआ लग रहा है, आपको मैं दिखा दे रही हूँ। इस पे भुनने जैसा दाग आ गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। बस हमें इतना ही भुनना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि अचार खट्टा खट्टा लगे तो ही हमें खाने में मजा आता है। तो आप यहाँ पे ज्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो 1 से 1.5 चम्मच कर दीजिए, 2 चम्मच कर दीजिए, अच्छा लगता है। हम अमचूर भी अच्छे से मिला लेंगे। अमचूर भी मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो बेसन भून के रखे हैं, उस बेसन को हम मिर्च में डालेंगे। तो ऐसे हम फैलाते हुए मिर्च पे बेसन डाल देंगे। ये बेसन जो है मिर्च के सभी बॉक्स में जाके अच्छे से बैठ जाएगा, तो खाने में ये मिर्च की अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी, कितनी बढ़िया कलरफुल अपनी मिर्च की अचार तैयार हो रही है। इसे हम मध्यम आंच पे 1/2 मिनट तक बेसन के साथ भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं हर एक मिर्च में अपनी बेसन जो है अच्छे से लग चुका है, मिर्च भी सॉफ्ट हो चुका है। तो ये अपना इंस्टेंट हरी मिर्च की अचार बनकर तैयार हो गई है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो चलिए हम अचार को एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सर्विंग बॉल लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया इंस्टेंट मिर्च की अचार बनकर तैयार हुई है। इसमें बिल्कुल पानी का लगाव नहीं है और बहुत जल्दी बन जाता है। फ्रेंड्स, आपने देख लिया हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार बनाना कितना आसान है। ये खाने में तो टेस्टी होता ही है। इसे आप पूरी, पराठे, रोटी के साथ खा सकते हैं। सभी सब्जियों को फिल कर देता है ये अचार। इसे आप ट्रेन के सफर में 4 से 5 दिन के लिए ले जा सकते हैं। अगर घर के लिए बना रहे हैं तो फ्रिज में रख के आप आराम से 15 दिन तक खा सकते हैं। स्वाद बिल्कुल खराब नहीं होता है और हर खाने के स्वाद में 4 चांद लगाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये अचार की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।